हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राजस्थान फायर सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग कुछ मनोरंजन होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी निकली हुई है, और मैकेनिकल, सिविल और ये तीन चार पोस्टें आई हुई है दोस्तों। तो इनमें बता दूं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है क्या नहीं, फायर एंड सेफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों, यही अपने काम किए दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें कुल पोस्ट 6 दे रखी है फायर एंड सेफ्टी की। और तो अब हम बात करते हैं कि इसमें फिजिकल क्या होगा और मेल फीमेल का कितनी हाइट मांग रहे हैं, कितनी चेस्ट मांग रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या ग्रेजुएशन है। तो दोस्तों, उस सभी की हम बता दूँ कि दोस्तों मेरे पास ये PDF आई है दोस्तों। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हर टॉपिक की वीडियो छोड़ता रहता हूँ फायर से रिलेटेड, और वैकेंसी को आपको अपडेट करता रहता हूँ दोस्तों। ना तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इसमें फायर एंड सेफ्टी का वो डिप्लोमा मांगा गया है, और फुल टाइम रेगुलर BTech इन फायर इंजीनियर है दोस्तों। इसमें BTech मतलब इंजीनियर वाली पोस्ट है दोस्तों ये, और इसमें मतलब कैंडिडेट कोई भी यूनिवर्सिटी या इसमें दे रखी है AICT से, या मतलब किसी भी मतलब अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करा होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब हम बात करें कि फिजिकल की, तो दोस्तों इसमें फिजिकल मेल की हाइट है 165 सेंटीमीटर, और वेट इसमें 50 kg मांग रहे दोस्तों, और चेस्ट नॉर्मल 81 सेंटीमीटर है दोस्तों। और फीमेल की बात करें तो दोस्तों इसमें हाइट है 157 सेंटीमीटर और वेट 146 kg मांग रहे दोस्तों। और दोस्तों, मेडिकल में मतलब क्या बताया आपको, 6x6 की आँख होनी चाहिए, और फ्लैट पैर नहीं होने चाहिए, और मतलब बॉडी थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए दोस्तों। और इसमें दे रखा है कि वर्क एक्सपीरियंस, तो दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस में इसमें मैक्सिमम 6 ईयर्स एंड 9 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस F3 है। चलो दोस्तों, ये काम के नहीं है अपने। हाँ, तो इसमें मांग रहा है एक्सपीरियंस, मतलब आपको फायर फाइटिंग या उससे भी आपको मतलब नॉलेज होनी चाहिए फायर ऑपरेटिंग की, फायर गाड़ी की, और मतलब जब आप इस डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो इसकी मतलब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और किसी भी भाई को फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के चैनल चाहिए तो एक बार वीडियो पर ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।